हाय गाइस, गेट रेडी फॉर दी फाइनल बैटल विच इज़ नथिंग बट MBA CET 2022 एंड द शॉकिंग न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम द CET सेल इज़ नथिंग बट कॉम्पिटिशन आपका 160,000 प्लस चला गया है। ये हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है CET के एग्ज़ाम में को लेकर के। अभी तक इतने एप्लीकेंट ने रजिस्टर कभी नहीं किया था। 1.3 वॉज द हाइएस्ट, बट इस बार अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से 30,000 एप्लीकेंट ज़्यादा रजिस्टर किए हुए हैं बिकॉज एग्ज़ाम गॉट डिलेड। ठीक है, सो 1,60,000 लोगों से आपको फाइट करनी है। ऑलमोस्ट कैट के नियर बाई आ गया। कैट में 2,00,000 लोग एग्ज़ाम लिखते हैं और CET में 1.6 के आसपास कॉम्पिटिशन आ गया आपका। ठीक है, अब आपको जमना लाल बाजार जाना है, सिडनम जाना है, वेलिंकर जाना है, डालमिया जाना है, SIS जाना है, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो आपको इतने लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, बट गुड न्यूज़ ये है कि इसमें जो आपका कंपटीशन है वो 20% लोगों के साथ है। 20% लोगों के साथ मतलब इतने लोग ज़्यादा सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेके, मतलब रफली ये नंबर होने वाला है 30,000 to 40,000 के आसपास। इतने लोगों के साथ आपको कंपटीशन करना है, फिर भी आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कम है। और CET सेल ने बहुत क्लियरली स्टैट्स रिलीज़ किया जिसके अंदर उन्होंने बोला है लास्ट ईयर काफ़ी कम लोगों को एडमिशन मिला था। 1/4 अप्रॉक्सीमेटली पीपल गॉट दी एडमिशन इन टू दी कॉलेजेस। 1/4, 1/3 बोल लो आप, मतलब 3/4 पीपल हैवंट रिसीव एनी सीट इन दी कॉलेजेस। मतलब अगर 100 लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो इसमें से 25 से 30 लोगों को ही एडमिशन मिला है, 60 के आसपास लोगों को एडमिशन नहीं मिला है, 60 to 70 के आसपास। तो ये उनका रफ डेटा है और उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि आप CET के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा स्कोर लेके आओ सो दैट आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, बिकॉज हमारे पास सीट बहुत कम है, सारे लोगों को एडमिशन हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अच्छा स्कोर लेके आओ और आपका सीट लेके जाओ जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो। बट इस साल जो CET में कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हुआ है 1.6, इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि जो बचा हुआ टाइम है 60+ डेज जो रिमेनिंग है एग्ज़ाम को लेके, उसको आपको और अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है और आपकी स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है। सो आइडियल स्कोर टारगेट हैज़ टू बी 140 से 150 का टारगेट लेके चलो, 140 to 150, दिस हैज़ टू बी दी आइडियल टारगेट। तो ये आपका डेटा है जो CET सेल के फेसबुक ऑफिशियल जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे ये डेटा रिलीज़ हुआ है MBA CET 2022 को लेकर के। ठीक है, 1,60,781 एप्लीकेंट लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है MBA CET में। सो दोज वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दी MBA CET एग्जामिनेशन, उनके लिए एडवाइस यही है कि जो आपका रिमेनिंग डेज बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन मॉक लिखो, एनालिसिस करो, वर्क ऑन योर वीक एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एरिया, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अच्छे से बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और सीट्स कम है। ठीक है, बट जो एडमिशन मिलने वाला है वो आप में से किसी एक को मिलने वाला है, राइट? जो भी कॉलेज में सिलेक्शन होगा आपका top 5, top 10 में, वो आप में से किसी का होने वाला है। सो वाई नॉट यू थिंक अबाउट इट। और अगर आपको एडमिशन चाहिए तो प्रिपरेशन आपको एक्सेल करनी पड़ेगी। अभी जितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अननेसेसरी OTT प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या तो फिर व्हाट्सअप पे, वो टाइम वेस्ट करना बंद करो और पूरे दिन को शेड्यूल करो आपकी प्रिपरेशन को लेकर, बिकॉज CET के बाद कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके थ्रू आपको MBA के लिए इस साल एडमिशन मिलेगा। दिस CET इज़ द लास्ट एग्जाम। इफ यू हैव प्रिपेयर फॉर सम अदर MBA एंट्रेंस तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो आपकी वहाँ से, बट या अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है सो यू कैन ज्वाइन CET बूस्टर 30 डेज लाइव क्लास बैच। तो ये आपका जो क्लास होगा वो लाइव क्लास होने वाला है CET बूस्टर 30 डेज। इसका टाइम टेबल पर कंप्लीट चार्ट वाला जो वीडियो है वो मैं बाई टुमारो आई विल मेक एंड गिव द कंप्लीट टाइम टेबल। बट अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया ये बैच, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर 8828581455 एंड यू कैन ज्वाइन द बैच। इन दिस यू विल बी गेटिंग द मॉक सीरीज, यू विल बी गेटिंग द ई बुक्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, लाइव लेक्चर एंड डाउट क्लास यू विल बी गेटिंग CET बूस्टर। तो इसके बाद कोई भी बैच नहीं आने वाली है गाइस। दिस विल बी द लास्ट बैच फॉर द MBA CET 2022 एंड क्रैश कोर्स बैच। अगर आपको क्लासरूम की ज्वाइन करनी है, मॉर्निंग बैच वी हैव लॉन्च एट मेनूवर बोरीवली सेंटर एंड दादा सेंटर, सो यू कैन चेक आउट दिस बैच। ठीक है, बोरीवली पे कॉल कर लो, दादर पे कॉल कर लो एंड देर अदर बैचेस ऑन गोइंग एट वसई ऑल्सो, यू कैन कॉल ऑन वसई एज वेल 7304366682। ये आपका वसई का नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो गाइज, इस साल तीन चीज़ होने वाली है। एक तो या तो आपको कॉलेज मिलेगा एडमिशन को लेकर के, आपका स्कोर अच्छा आएगा, आप परफॉर्म अच्छा करोगे CET में एंड यू विल गेट द कॉलेज। दूसरा, स्कोर कम आया तो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे घर वालों के प्रेशर से, फ्रेंड के प्रेशर से, रिलेटिव के प्रेशर से कि भाई MBA कर ले, अभी 2 साल में तेरा हो जाएगा एंड देन यू विल गेट प्लेसमेंट। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लेसमेंट के लिए अच्छा कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो घर वालों को आपको बताना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज दो साल बाद इंटरव्यू देने आप जाओगे कंपनी में फॉर द जॉब. सो दैट इज़ वाई इन कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए इसके लिए अपने को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए. तो कॉम्प्रोमाइज़ कॉलेज को लेके मत करना. तीसरा, या तो मैं रिपीट करूँगा सीईटी, यही चीज़ पॉसिबल है, अगर स्कोर बिल्कुल भी नहीं आया तो रिपीट करना पड़ेगा. अभी जो रिपीट करना हो, कॉलेज जो कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये दोनों पॉइंट दिमाग से निकाल दो और पहला पॉइंट दिमाग में रखो कि अपने को अच्छा स्कोर लेके आना है और ये वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है. ये माइंडसेट से आपका प्रिपरेशन चालू करो एंड जो भी टाइम आपके पास रिमेनिंग है उसको अच्छे से यूज़ करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो. MBA CET 2022 विल बी द लास्ट एग्जाम फॉर योर MBA करियर जो आपको इस साल एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज इसके बाद आपको अगले साल के लिए ट्राई करना होगा. सो प्रिपेयर वेल एंड कीप द कॉम्पिटिशन इन योर माइंड एंड टारगेट फॉर द वन सीट इन द बेस्ट MBA कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.